हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी ग्लैम विद निशा। मैं हूं निशा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कोई डीआईवाई वीडियोस के साथ नहीं आई हूं। आज एक वीडियो रिलेटेड है, आप एक किचन टिप मैं आपको बताऊंगी। यहां पे किचन टिप को लेकर एक वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है कि आपको ऐसे ग्लास मिलते हैं जिसमें प्रिंट होता है, तो ये मुझे भी मिला था जब मैंने ज्वेलरी परचेज की थी, तब उस टाइम मिला था। तो आपके ऐसे किसी ग्लास पे अगर इस तरीके का कोई भी लेबल हो तो उसको आपको कैसे हटा सकते हो आप, तो उसके उससे रिलेटेड आपका वीडियो है। क्योंकि ग्लास आपका बहुत अच्छा होता है, कभी भी जैसे गेस्ट आते हैं तो आप इस लेबल की वजह से आप ग्लास में कुछ सर्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज बताऊंगी कि आप इसको कैसे, इस लेबल को रिमूव कर सकते हैं। मे बी बहुत लोगों को ये टिप पता होगा, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, बस ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। ओके, इसके लिए हमें चाहिए विनेगर, व्हाइट विनेगर आपको लेना है। तो आपको क्या करना है, जस्ट एक बाउल में, किसी भी बर्तन में, आपको इस ग्लास को थोड़ा सा पहले विनेगर डालना है आपको। तो विनेगर आपको इतना डालना है जितना ये आपका जो लेबल है ये इसमें डिप होना चाहिए। तो मैं इसमें इस ग्लास को डिप कर दूंगी, थोड़ा सा और डालूंगी। तो इतने से विनेगर में आपके पास जितने भी ग्लास हो जिसमें से लेबल हो, तो वो सारे ग्लास आप उस ग्लास में से आप ये लेबल रिमूव कर सकते हैं। तो इसको आपको ऐसे ही 20 मिनट्स तक आपको ऐसे ही डिप रहने देना है, उसके बाद हम क्लीन करेंगे इसको। तो 20 मिनट्स आपको ऐसे ही रखना है। ओके फ्रेंड्स, 20 मिनट्स हो गए हैं। 20 मिनट्स बाद आपको क्या करना है, इसको लेके आपको एक स्क्रॉच पैड, जो नॉर्मल आप स्क्रॉच पैड यूज करते हैं, उसे लेके जस्ट आपको इसे जैसे नॉर्मली हम क्लीन करते हैं ऐसे ही, या आप नॉर्मल एक किसी कपड़े से भी पहुंचेंगे तो भी वो क्लीन हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ओके, तो अब आप इसके बाद इसको आप नॉर्मल वॉश कर सकते हैं, जैसे आप वॉश करते हैं, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, बिल्कुल कोई निशान भी नहीं है और इतने अच्छे से ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आपके पास भी कोई ग्लास है जिसमें लेबल है या कोई मार्क है, तो उसको आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको आप हिट करेंगे तो फ्यूचर में मेरे वीडियोज की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय।